पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बरेली कैंट को उड़ाने की साजिश रच रही है। आईएसआई की साजिश है कि बरेली कैंट पर हमला करके सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दी जाए। इसके लिए बकायदा एक प्लान भी बनाया गया है। ये सनसनीखेज खुलासा किया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पकड़े गए आईएसआई एजेंट रमेश सिंह कन्याल ने। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट रमेश को पकड़ा था और अब रमेश ने ही कबूल किया है कि बरेली कैंटोनमेंट आईएसआई के निशाने पर था और इसके लिए रमेश को आईएसआई ने बरेली कैंटोनमेंट में सेना के अधिकारियों के यहां बतौर नौकर या ड्राइवर काम करने के लिए कहा था, लेकिन रमेश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाता उसके पहले ही यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो कैसे एक बड़ा खेल करने की तैयारी में था बरेली कैंटोनमेंट, कैसे निशाने पर था आईएसआई के, ये खुलकर सामने आया है। यूपी एटीएस को कुछ दिन पहले आईएसआई एजेंट पकड़ने के बाद बड़ी सफलता मिली थी। इसी पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आईजी एटीएस असीम अरुण जी। असीम जी, आपने 5 दिन के रिमांड पे उसको रखा, क्या खुलासे किए उसने, क्या नई बात उसने बताई? इस रमेश नाम के व्यक्ति को जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, हम लोगों ने पकड़ा था, ट्रेस किया था एक मनी सप्लाई नेटवर्क के ज़रिए, जिसमें कि पिछले साल आफ्ताब नाम के एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा था, जहाँ से उसको पैसा मिल रहा था वहीं से इसको पैसा मिल रहा था। तो समय लगा हम लोग को, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी हम लोग को मिली इसमें। इससे जो पूछताछ हुई 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में, उससे ये स्पष्ट हुआ कि जब इसको घरेलू नौकर के रूप में एक अधिकारी ले करके गए, तो वहाँ पर तनवीर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि अब स्पष्ट है कि वो जासूस था, उसने इसको धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश किया और अपने चंगुल में लिया, फिर हनी ट्रैप किया और एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें कि उसको डराया भी कि तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो अब तुम्हारी पूरी सूचना हम इंडियन एजेंसीज को दे देंगे और हमारे